बीए सेकंड ईयर आज हम आपको एक नया संविधान, एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज आपका नया संविधान है जापान का संविधान। जापान जैसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं, उगते हुए सूर्य का जैसे हम देश कहते हैं, जैसे भारत का एक मित्र देश भी मानते हैं, भारत के बहुत कुछ ऐसे अच्छे संबंध भी रहे हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं। प्राचीन काल में भारत के जो बौद्ध लोग थे वो अपना प्रचार करने के लिए यहाँ गए। तो उसी जापान के बारे में जानना है कि जापान का संविधान कैसे बना, क्या उस संविधान की विशेषता है, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जापान का संविधान क्या है। जापान ये वही जापान है जिसने बहुत अच्छी प्रगति की। इस देश का एक तरीका से दूसरे विश्व युद्ध में बहुत कुछ पतन हो गया। आपने देखा इसके दो महत्वपूर्ण नगर पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। जापान जिसको एक तरीका से यम कहें कि मित्र राष्ट्रों ने इसका पूरी तरीका से पतन कर दिया, आज उसी जापान ने इतनी प्रगति की है कि जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है। जापान एक छोटा सा देश है लेकिन शक्तिशाली है। जापान एशिया महाद्वीप के बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इसकी गिनती होती है। जापान जिसे निप्पन भी कहा जाता है, जापान जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, जीपिन, लैटिन नहीं चीन की भाषा, ध्यान से सुने। जापान जो शब्द है वो चीन की भाषा का है और जीपिन से इसका बना है। जीपिन जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। क्या होता है विद्यार्थियों, उगते हुए सूर्य की भूमि, यानी इसे सूर्य उदय का देश हम मानते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप में यदि सूर्य उदय होता है तो वो कहाँ होता है, जापान में होता है। जापान जो देश है इसने एक नारा दिया था, एशिया एशिया बालों के लिए। जापान को हम एक इस रूप में भी जानते हैं कि जिस तरीका से इंग्लैंड में संसदीय शासन शुरू हुआ, ऐसे ही एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संसदीय शासन यदि शुरू हुआ तो वो कौन से देश में हुआ, वो हुआ जापान में। तो जापान संसदीय शासन की प्रारंभिक भूमि रहा है, संसदीय शासन को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश रहा है। जापान एक ऐसा देश रहा है जिसने 1905 में बड़ी शक्ति, जैसे रूस एक बड़ी शक्ति मानते थे, इस छोटे से जापान ने रूस जैसी महाशक्ति को भी हरा दिया था। तो जापान एक तरीका से जागरण का प्रतीक रहा है, एशिया वालों के लिए एक तरीका से प्रेरणा का स्रोत रहा है। इससे बहुत कुछ प्रेरणा भारतवासियों को भी मिलती है, एशिया वालों को भी मिलती है। जापान जैसे एक तरीका से हम द्वीपों का देश भी कह सकते हैं, क्योंकि जापान में सैकड़ों द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं जिनसे बंदरगाह व्यापार होते हैं, आवागमन होता है। तो जापान एक तरीका से बहुत एक तरीका से समृद्ध देश हम कह सकते हैं। जापान में जो द्वीप हैं उनमें से कुछ प्रमुख प्रमुख द्वीपों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो द्वीप है वो है होन्सु द्वीप। बड़ा द्वीप भी है, सबसे बड़ा द्वीप यदि आज जापान में है तो वो है होन्सु द्वीप। और द्वीप कौन से हैं, एक है होकाइबो, एक सिकोकू, एक क्यूसो और एक होन्सु। तो चार द्वीप बड़े द्वीप हैं, लेकिन इन चार में से सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है वो है होन्सु द्वीप, जो एक तरीका से बंदरगाह के रूप में भी इसको जानते हैं, बड़ा द्वीप रहा है। तो जापान द्वीपों का देश रहा है, जापान एशिया का एक समृद्ध देश रहा है, प्रगतिशील देश रहा है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को यहाँ देखते हैं कि ये एक एशिया जागरण का प्रतीक रहा है, एशिया वालों के लिए इसने क्या है कि प्रेरणा का काम किया है, प्रगतिशील देश रहा है। जिस देश का दूसरे विश्व युद्ध में आपने देखा कि जो मित्र राष्ट्र थे उन मित्र राष्ट्रों ने क्या है कि इसका पूरी तरीका से पतन कर दिया था, जापान पर पाबंद लगा दी थी, जापान पर कई तरीका के प्रतिबंध लगा दिए थे, फिर भी जापान ने बहुत उन्नति की। जापान जिस पर क्या है कि परमाणु बम भी गिरा, आपने देखा कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो जिसको परमाणु बम का भी सामना करना पड़ा वो देश है जापान। कौन सा देश, जापान। 6 अगस्त 1945 को यहाँ हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। आगे हम देखते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध में क्या है कि दो धुरी थी, एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आते हैं आपके ब्रिटेन हुआ, फ्रांस
फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ये मित्र राष्ट्र हैं। इंग्लैंड हुआ, ये भी मित्र राष्ट्र में था। और जो धुरी राष्ट्र है, दूसरा जो पक्ष था वो धुरी राष्ट्र का था, उसमें इटली, जर्मनी और जापान और उनके सहयोग देश थे। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो मित्र राष्ट्रों में और धुरी राष्ट्र में हुआ था। प्रारंभिक स्थिति ऐसी रही कि इसमें धुरी राष्ट्र विजयी होते चले गए थे, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका ने युद्ध में प्रारंभ में तो भाग नहीं लिया, बाद में उसने भाग लिया। और अमेरिका के भाग लेने पर युद्ध की जो परिणाम है वो बदलते चले गए। इटली जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान को मजबूरी में क्या है कि इस पर परमाणु बम जब गिराए थे तो इसको भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। और 14 अगस्त 1945 को जापान ने क्या है कि मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्वतंत्रता के लिए एक तरीका से स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए यहाँ कार्य किया जाने लगा, यहाँ लोकतंत्र के लिए पहल होने लगी। और यहाँ जो सम्राट जो था, सम्राट का जो नाम था एक तरीका से हीरो हितो, क्या नाम था, हीरो हितो। उस सम्राट का शासन है वो खत्म हुआ एक तरीका से, और जापान में भी पूरी तरीका से भारत की तरह लोकतंत्रात्मक शासन आ गया, संसदीय शासन आ गया। सम्राट की शक्ति का यहाँ पूरी तरीका से पतन हो गया। आज सम्राट का पद तो है लेकिन वो नाम मात्र का है, और पूरी तरीका से लोकतंत्र यहाँ आ गया है, संसदीय शासन यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ था कि जब यहाँ आत्मसमर्पण हो गया, जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था, तो यहाँ की क्या है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल बनाया गया। यहाँ की कार्य प्रणाली के लिए क्या है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और संविधान बनाने की जो प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है कि फरवरी 1946 में एक नया संविधान बनाने के लिए क्या है कि प्रयास की गई और उसका प्रारूप बनाया गया। और वो प्रारूप जो नया संविधान था, उस नए संविधान के प्रारूप को सम्राट की क्या है कि शक्तियों के अंत करने के लिए बनाया गया था। जो सम्राट था उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया था उसमें। इस नए संविधान में क्या हुआ था, सम्राट की शक्तियां कम कर दी गई थी और राजतंत्र को एक तरीका से खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया था। तो फरवरी 1946 में क्या हुआ, प्रारूप बनाया गया था, ड्राफ्ट बनाया गया था। जैसे अपने संविधान का ड्राफ्ट बना, ऐसे वहां भी ड्राफ्ट बनाया गया था। अब ये जो ड्राफ्ट बनाया था उस ड्राफ्ट को वहां की डाइट के सामने पेश किया गया था। डाइट का मतलब वहां की संसद के सामने पेश किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, जापान में डाइट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है, डाइट क्या है, डाइट की संरचना लिखिए, कार्य लिखिए, शक्ति लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आता रहता है पेपर में, डाइट पर आता है प्रश्न। तो डाइट को जानेंगे, तो डाइट में उसको प्रस्तुत किया, जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप को डाइट में प्रस्तुत किया गया था। डाइट में क्या है कि उसको अनुमोदन भी हो गया, 6 अक्टूबर 1946 को उसका अनुमोदन हो गया। उसके अनुमोदन के बाद क्या है कि सम्राट की अनुमति लेना जरूरी था, तो 3 नवंबर 1946 को सम्राट ने भी अपनी सहमति दे दी, अनुमति दे दी। और इसके बाद ये 3 मई, हाँ 3 मई 1947 को ये संविधान फिर लागू होता है। कौन सी तिथि हो, 3 मई 1947 को नया संविधान लागू होता है। ये जो नया संविधान बना इसको एक नाम दिया था, सोवा संविधान। क्या नाम दिया था, सोवा संविधान। तो जापान का एक जो संविधान है, आधुनिक संविधान जो है, वर्तमान संविधान जो है, उसका नाम क्या है, सोवा संविधान है। उस सोवा संविधान की बहुत कुछ विशेषता है, जापान के और भारत के बारे में बहुत कुछ समानता ये है कि भारत के जो व्यक्ति थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जापान गए। जापान में आज भी हिंदू धर्म का काफी वर्चस्व है, वहां पर एक तरीका से बौद्ध लोग हैं वहां पर जो रह रहे हैं। जापान काफी सहयोगी देश रहा है, वो बढ़ता हुआ देश है, बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश है, विश्व में एक तरीका से प्रगतिशील देश रहा है। तो भारत में और जापान में बहुत कुछ समानता है। जापान जो एक तरीका से 24,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक देश रहा है, विश्व में इसकी जनसंख्या की हम बात करें तो एक तरीका से यूं कहें कि ये 10वें नंबर पर है विश्व में जनसंख्या के स्तर पर। ये कौन से स्थान पर आता है, 10वें स्थान पर आता है। अपना जो भारत है आपको पता है, भारत दूसरे स्थान पर आता है, चीन जो पहले स्थान पर आता है। तो ये जो देश रहा है एक तरीका से क्षेत्रफल काफी है लेकिन जनसंख्या भी बहुत है, जनसंख्या भी बहुत है जापान के अंदर। और एक तरीका से प्रगतिशील देश रहा है, एक ऐसा देश जिसको आतंकवाद, वो एक तरीका से परमाणु बम का भी सामना करना पड़ा, जिसके 2 नगर पूरी तरीका से तहस नहस कर दिए गए। आज उसी जापान ने बहुत अच्छी प्रगति की,
क्योंकि यहाँ जापान वासियों में एक विशेषता है कि वो देश के लिए काम करते हैं। जापान में एक तरीका से राष्ट्रीयता की भावना बहुत अच्छी है। नागरिकता उसमें क्या है कि जो नागरिक हैं वो देश के लिए काम करते हैं। तो जापान का हर व्यक्ति आपने देखा होगा तकनीक में दक्ष है। एक तरीका से हर बालक वहाँ एक देश के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। तो वो जापान जिसने आज इतनी प्रगति की है उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ देश को प्राथमिकता दी जाती है, देश को आगे रखा जाता है, तो देश सर्वोपरि है। तो ये जापान के बारे में मुख्य मुख्य बातें जानी। एक बार और जानते हैं कि जापान जो शब्द है वो चीन भाषा का है। चीनी भाषा में इसको जीपिन कहते हैं और जीपिन का अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य का देश, जिसको निप्पन भी कहा जाता है। आज का जो संविधान, जापान का संविधान, सोवा संविधान, सोवा संविधान वर्तमान संविधान, ये जो वर्तमान संविधान है इस वर्तमान संविधान से राजतंत्र खत्म हो गया, सम्राट की शक्तियां कम हो गई और भारत में जैसे राजतंत्र खत्म हुआ लोकतंत्र आया, ऐसे ही जापान में भी संसदात्मक शासन आ गया, लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हो गई और जापान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। और यहाँ का संविधान लागू भी हो गया 3 मई 1947 को, जापान का संविधान लागू हो गया, सम्राट की शक्तियों का अंत कर दिया गया। तो सम्राट अब है लेकिन नाम मात्र का है। सम्राट को इस सूर्य का पुत्र मानते हैं, एक तरीका से किसका मानते हैं, सूर्य का पुत्र मानते हैं, भगवान के रूप में उसकी पूजा होती है, लेकिन एक तरीका से वो नाम का है। तो यह हमने जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें की। आगे हम जापान के संविधान की विशेषताओं को जानेंगे, जापान के डाइट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि जापान किस तरीका का देश रहा। तो जापान एक लोकतंत्रात्मक देश है, संसदीय शासन है वहां पर, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था में संसद जो है उसका प्रमुख स्थान है, संसद पर प्रश्न भी आता है, संसद का नाम है डाइट। तो आगे हम कल